गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे मिट्टी लाने के लिए आए हैं। एक जगह है वहाँ पे, हम लोग के घर से आधा घंटा की दूरी पे है ना, यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब लेने आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक तालाब भी है, इसमें ढेर सारी मछलियाँ भी हैं, इसमें सब मछली वगैरह भी, वो देखिए वो भैंसी है ना, वो उसको नहलाया वगैरह भी जाता है। हम लोग जब सरस्वती पूजा वगैरह होता है, दुर्गा पूजा वगैरह होता है, तो यहाँ पे विसर्जन करेंगे। सरस्वती पूजा का विसर्जन यहीं पे होता है, दुर्गा पूजा का नहीं पता यहाँ पे होता है या नहीं होता है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ये मेरे पीछे में। और यहाँ पर छठ पूजा वगैरह भी अच्छे से होता है। अभी तो यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन जब छठ पूजा का समय आता है तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर दिया जाता है। देखिए हम एकदम पास से आपको नदी दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है देखिए, कितना बड़ा तालाब है ये। दूर दूर तक लिए भैंसी वगैरह, यहाँ देखिए मछली पकड़ने के लिए वहाँ लोग बंसी फंसा फंसा कर सब बैठे हुए हैं। वहाँ एक दिन जो भैंस है वो स्नान भी कर रही है। बहुत आदमी यहाँ ठंडा में बैठने भी आते हैं। यहाँ देखिए कितना सारा जानवर भी है। ये सूर्य जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का, इसलिए यहाँ पर छठ वगैरह था। वहाँ पर देखिए लोग गाड़ी वगैरह जो होते हैं ना सीखने वगैरह के लिए भी आते हैं। एक दिन ट्राई करेंगे, वहाँ ब्लैक कलर की जो गाड़ी लगी है ना वो है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम इससे भी एक अच्छी गाड़ी और खरीदेंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी ना हम खरीद पाएंगे, फेमस होंगे। मेरा मन है ज़्यादातर कि हम फेमस हो, मेरा नाम भी बहुत आदमी जाने, इसलिए हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ से हम लोग है ना मिट्टी पौधा वगैरह में डालने के लिए, बहुत आदमी यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं भाई पौधा में डालने के लिए, कुछ लोग ले जाते हैं दिया बत्ती वगैरह बनाने के लिए। तो ये पूरा खाली स्पेस है, ये दूर दूर तक, ऐसे भी तो ये झारखंड है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर स्पेस कितना रहता है, और पेड़ पौधा भी रहता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। वहाँ देखिए एक आदमी अपना बाइक सीख रहे हैं, कोई गाड़ी सीख रहा है, कोई कोई बैठे हुए भी हैं। यहाँ तो हमको जानवर वगैरह से ही इतना डर लगता है ना कि हमको मत पूछिए, गाय भैंसी से। घर से भी निकल रहे थे तो ढेर सारी गाय है ना अपने में लड़ाई कर रही थी, इस वजह से हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अकेले नहीं आ पाते हैं ये सब जगह में। हम लोग भी यहाँ पे मिट्टी लाने आए हैं, लेकिन जानते हैं ये हमेशा हमको डरा रहे हैं कि यहाँ भागो भैंसी है, भागो भैंसी है, भागो भैंसी है, दिमाग खराब हो गया है। और बोलते हैं कि मैं वगैरह वगैरह, क्या आपको मेरा वीडियो में बोलना पसंद नहीं आता, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम वगैरह वगैरह मत बोलो। देखिए अपने खुद तो झोला लेके आगे आगे जा रहे हैं, उधर से जानवर भी है। क्या यहाँ पे है ना सब गोएठा वगैरह भी, जो नहीं होता है ग्वाला लोग जो गोएठा वगैरह जो पाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गोएठा को क्या आप लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको गोएठा ही बोलते हैं, जो गोबर से बनता है। तो ये सब भी जलावन के लिए पूजा वगैरह में सब ले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब गोएठा वगैरह सूखने के लिए सब कोई डाले हुए हैं। यहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेस है, यहाँ भी ये कुत्ता है, हमको तो जानवर से बहुत ही डर लगता है, पता नहीं क्यों इतना। वहाँ भी शायद एक तालाब है छोटा सा, उधर भी गाय भैंसी स्नान कर रही है। हम लोग कहाँ से मिट्टी लेंगे, चलिए हम दिखाते हैं कि हम कहाँ से मिट्टी लेंगे। हम लोग भी अपने फूल में डालने के लिए ले जाएंगे छत पे, है ना, हम लोग का एक गमला वो सूख गया है काफ़ी। देखिए यहाँ से भी इसका नज़ारा कितना अच्छा लगता है, हम आगे से भी आपको दिखाएंगे, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको मंदिर को पीछे से ही दिखा रहे हैं, हम आगे से भी दिखाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इधर तरफ ही आ गए ना, इसलिए आपको हम इधर से ही दिखा रहे हैं। इधर एकदम शांत वातावरण है, इधर सब कोई आते हैं अच्छा लगता है। और यहीं से शायद हम लोग मिट्टी काट के ले जाएंगे, देखिए क्या यहीं पे मिट्टी मिल जाएगा ना, आगे से भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अंदर वाला में, देखिए ना कुत्ता आ रहा है, आप रुक जाइए अभी। और जो रुकिए, अरे तो ये देखिए ये मिट्टी वहाँ से ले रहे हैं। हमको तो ये सब छूने में भी डर लगता है, सांप गुजर के डर से तो मेरा हालत ख़राब रहता है। ठीक से निकालिएगा, देखिएगा वहाँ पता नहीं है कितना बड़ा बिल देखिए ना बना हुआ है, कितना बड़ा वो बिल पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। वहाँ पे हाथ नहीं डालिएगा ज़्यादा अंदर तक, बलुआही मिट्टी है तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे बलुआही मिट्टी है तो
कहीं और जगह देखिए ना अच्छा वाला मिट्टी होगा, तो यहाँ पे जानते हैं बहुत मिट्टी बालू वाला को वहाँ पे है ना अच्छा वाला मिट्टी नहीं मिल रहा है, वो बलुआही मिट्टी है, वो मिट्टी डालने से कोई पेड़ पौधा में कोई उसका अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग को चाहिए ओरिजिनल मिट्टी टाइप, जैसा मुल्तानी मिट्टी जैसा नहीं हम लोग का गाँव वगैरह का मिट्टी रहता है वैसा होना चाहिए। ये वाला होगा क्या, ये वाला मिट्टी? ये वाला भी नहीं होगा, पता नहीं क्यों अच्छा वाला मिट्टी दिख ही नहीं रहा है। किधर से ले, वहाँ मिल जाएगा। चलिए तो देखिए ये अपने फ्रेंड से अभी बात करके पूछेंगे, अगर उनके गांव में अगर मिट्टी मिल गया ना तो हम लोग वहीं से मिट्टी लेने के लिए चले जाएंगे। मज़ा नहीं आया, जिस काम के लिए हम लोग आए वो काम हुआ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं, मंदिर का भी काम चल ही रहा है तो चलिए आपको हम मंदिर के आगे से ले चलते हैं दिखाने के लिए। तो ये देखिए मंदिर में अभी वर्कर लोग काम कर ही रहे हैं, ये मंदिर का काम बहुत स्लो चल रहा है, आज से नहीं कम से कम बहुत दिनों से इसका काम चल रहा है मंदिर का। तो ये देखिए, और इधर आने के समय में भी जो रास्ता है ना वो एकदम खटाली का रास्ता है, गाय भैंसी वाला ही रास्ता है, जिसमें है ना हमको मन भी नहीं लगता, मन खुश भी नहीं होता, हमको तो जानवर से बहुत डर लगता है। घर से भी निकलते समय में भी वही हाल था। तो ये देखिए सब जगह आपको दिख रहा होगा ना कि गोएठा वगैरह ये पाथा हुआ है, गोएठा वगैरह क्या, आप लोग मेरे लैंग्वेज को आप लोग थोड़ा समझिएगा, मैं भोजपुरी वगैरह भी मिक्स करके सब शब्द बोलती हूँ ना, तो इसलिए से ऐसे तो नहीं है ना कि हमेशा सब आदमी हिंदी ही बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भी बोल लेते हैं थोड़ा से, और वो तो सेक्टर वगैरह है। तो ये देखिए अभी वर्कर सबका काम चल ही रहा है। ये पेड़ तो पूरा सूख गया है, अभी आंवला का पेड़ है, इसमें आंवला वगैरह का तो सीजन है लेकिन अभी एक भी आंवला नहीं दिख रहा है। आंवला के सीजन में यहाँ पे पूजा पाठ होता है। देखिए दूर दूर तक एकदम पेड़ पौधा लगा हुआ है लेकिन किसी का मेंटेनेंस वगैरह नहीं है। तो ये देखिए मंदिर का काम अभी चल ही रहा है, और ये जो है ना दादी वो हमेशा यहीं पे बैठी रहती है, जब भी आइएगा तो ये दादी यहाँ पे बैठी रहती हैं। और अभी इधर छत से जाने वाला भी काम नहीं, अभी ये मंदिर बहारने वाले हैं, ये मंदिर बहार वगैरह रहे हैं। तो ये देखिए सूर्य भगवान का मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको हम मंदिर का दर्शन करा दिए हैं, भगवान जी का दर्शन आपने कर लिए हैं, और ये जो है हवन वगैरह के लिए है, यहाँ कुंड वगैरह जो है ना वो बना हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ यज्ञ मंडप सूर्य मंदिर, देख सकते हैं आपको। बहुत आदमी तो यहाँ नहाने वगैरह के लिए भी आते हैं, आज धूपा भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है उतना, नहीं तो धूपा रहता ना तो यहाँ पे और भीड़ रहता। तो चलिए देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, घर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये चलिए आज हम अपनी गाड़ी आपको पास से दिखाते हैं, ये मेरा ब्रेजा है जो अभी हम हाल फिलहाल लिए हैं, आप ये भी बताइएगा, ये हम लिए हैं जून में लिए हैं, 12 जून को लिए हैं, क्योंकि इसको लेने के भी पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं बुलेट से जा रही थी एक बार तो मैं गिर गई थी फरवरी में, तो मुझे बहुत ज़ोर से चोट आया था मेरे सर के पीछे में, तो उस समय से हम है ना टू व्हीलर से चलने से कहीं भी काफ़ी डरते हैं। तो ये देखिए मेरा गाड़ी आपको कैसा लगता है, अब ये हम ज़्यादातर ज़रूरत के लिए लिए हैं, ये कोई शौक़ मौज या फिर घूमने हो। तो ये देखिए इसका सामने से रास्ता है, जिधर से हम लोग आए थे उधर से ही जा रहे हैं, सामने में इधर साइड का क्वार्टर में कोई जल्दी लेता उता नहीं है, बीएसएल का बहुत सारा क्वार्टर है जो इधर की तरफ है ना तो खाली है, क्योंकि ये सब है ना सन्नाटा जगह में पड़ता है, इसलिए कोई आदमी इधर रहना नहीं चाहता, या तो ज़्यादातर 8 में लेता है आदमी, 9 में लेता है, नहीं तो 4 और 3 में सबसे ज़्यादा, बाकी जगह का उतना भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ का रोड भी आपको देख के लग रहा हो ना कि कितना सुनसान जगह है, और ये गाड़ी में मेरे भोलेनाथ है, आपको कैसा लग रहा है? ये फोटो भी हम बहुत पसंद किए थे, हमको बहुत अच्छा लगता है ये भगवान जी का, और भोलेनाथ ऐसे भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अब सब जगह देखिए, तो आपको लगेगा कि आपको हम गांव घुमा रहे, कितना गाय भैंसी है ना सबके तरफ, देखिए
इधर है ना खटाल लोग का ही है, ग्वाला लोग ज़्यादातर रहते हैं। देखिए सब बगल भैंसी, इधर दिखा आपको पूरा, आपको अच्छा लग रहा होगा ना इधर का नज़ारा। देखिए जानवर, अगर आप लोग जानवर गाय भैंसी से प्रेम करने वाले होंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इधर तरफ तो क्वार्टर है ना, इधर क्वार्टर है और इधर से ये रोड है, ये सीधे रोड जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाए। ये जगन्नाथ मंदिर के उल्टा में है, इधर बगल काली ये सूर्य मंदिर, ये देखिए। तो हम अपने साथ साथ आपको भी घुमा रहे हैं, ये देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ छोटा छोटा दुकान वगैरह है, इसी इन लोग का है जो लोग अपना गाय भैंसी रखे हैं ना, उन लोग का ही छोटा मोटा ये दुकान सब है। तो ये देखिए इधर से ये MGM स्कूल है, यहाँ का स्कूल सब भी बहुत बड़ा बड़ा है। मेरी भतीजी अभी संत मैरी में पढ़ रही है, पढ़ी और जब ये इसमें है ना 5 क्लास के बाद है। और ये देखिए इधर हम लोग अपने घर, और इधर सीधे चले जाते हैं तो वो जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाते हैं, फोड़ वगैरह उधर से जाते हैं, और ये इधर से हम लोग जा रहे हैं सिर्फ अपने फिर से अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं। ये कालीबाड़ी वाला रोड है, इधर भी देखिए कितना सारा गाय भैंसी आपको देखने को मिलेगा। और ये हम लोग का है ना, ये जो आप दीवार दिख रहा है ये चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर का ही दीवार है। कभी हम आप लोग को चिड़ियाघर भी दिखाएंगे, अब तो सब टूट टूट गया, उतना चिड़ियाघर में ना कोई जानवर वगैरह नहीं है। तो आपको इसलिए नहीं ले जा रहे हैं दिखाने के लिए कि आपको सिर्फ आदमी दिखेगा, तो पता चलेगा कि जानवर नहीं सिर्फ आपको हम आदमी, ये बस जा रही है। ये देखिए कितना सारा गाय है, जानवर आपको दिख रहा है। शाम में एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, सब दूध लेने वाले हैं सबको। तो फाइनली हम मिट्टी ले लिए हैं, जितना ज़रूरी था उतना ही मिला, ज़्यादा उतना अच्छा भी मिला नहीं, बताया ही आपको कि बालू वाला मिट्टी था। तो हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।